आज हम आप लोगों को हिंदी दिवस पर 10 लाइन का निबंध अथवा इसी को आप भाषण में भी यूज कर सकते हैं बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है, हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 14 सितंबर 1949 से हुई। मतलब वर्ष 1949 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी 1949 से शुरुआत हुई इसकी। फिर तीसरा है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 1949 में मिला। मतलब 1949 में भारत की संविधान सभा ने देश की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था। अर्थात भारत की आजादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों आदि जगहों पर हिंदी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस को इस दिन बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। सभी जगहों पर भाषण होते हैं, कविताएं होती हैं, कहानियां होती हैं। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर, हिंदी दिवस के दिन राष्ट्रपति उन लोगों को पुरस्कार देते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा से संबंधित किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा उन सभी लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं जो हिंदी के क्षेत्र में अधिक अच्छा कार्य किए हैं, अधिक उत्कृष्टता हासिल की है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर, हिंदी दिवस हमें देशभक्त की भावना के लिए प्रेरित करता है। फिर अगला पॉइंट है, हिंदी दिवस मनाने का इन सभी जगहों पर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी जो है वो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, जो हमारी पहचान और गौरव है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? पहचान भी होती है और गौरव भी होती है। फिर अगला पॉइंट है, हमें हिंदी को बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो हिंदी दिवस मनाने का अर्थ ही है गुम हो रही हिंदी को बचाना, यानी गुम हो रही हिंदी को बचाने के लिए प्रयास करना। अतः हम सभी को हिंदी दिवस पर ये शपथ लेनी चाहिए कि हम हिंदी को बचाएंगे और उसका अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे और सरकार के द्वारा इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए।